उस काम को जो मैं कर रहे हैं ना, एक बार आप जाकर देखो और करके देखो उस काम को, एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए। स्मृति ईरानी जी को बोलो वो यहाँ आए, रहे किसानों के बीच में और फिर बताए कौन क्या है क्या नहीं है। हम 200 देंगे, हम 300 देने को तैयार, 400 देने को तैयार है, पर एक बार भेजो ना यहाँ पे। इन्हें ये नहीं पता जो रोटी खा रही है ना वे कैसे गेहूँ बूता है, कैसे कटता है और कैसे फिर मार्केट में आता है। उन्हें 200 रुपए देंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए, इस आंदोलन के बीच में आ जाए। जो खिलाफ कर रहे हैं वो यहाँ पे भी तो आए, किसानों के बीच में भी तो आए, किसानों के बीच में आके बोलना चाहिए ना उन्हें। स्मृति ईरानी, उसे तो एक्टिंग आती है, वो राजनीति में भी एक्टिंग कर रही है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, लेकिन किसान की बहन बेटियां सड़कों पर हैं। देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पूरी महिला ब्रिगेड जो है, आधी आबादी, वो सड़कों पर आई है, अपने बच्चों को लेकर आई है और चाय ले रही हैं, नाश्ता ले रही हैं। ये किसान घर की महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको क्यों आना पड़ा सड़कों पर। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरनगर से। तो क्या आप, सरकार तो बिल वापस नहीं लेगी, अब क्या करेंगे आप लोग? लेगी जब बैठेंगे यहाँ पे, बिल वापस लेके ही जाएंगे। हाँ। तो मोदी जी को क्या कहेंगे, वो तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मानेंगे जब पड़े रहेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे रहेंगे तो मानेंगे। घर में तो मुश्किल हो रही होगी, सब लोग यहाँ हैं तो कुछ मुश्किल नहीं हो रही, आराम से। आप भी क्या लग रहा है, सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है? मानना तो पड़ेगा, मनाने के लिए ही तो आए हैं। नहीं मानेगी तो? मानेगी, कभी तो मानेगी, जितने दिन लगेंगे सब यहीं डटे रहेंगे, कभी तो मानेंगे। लेकिन सारे घर के बच्चे जवान सब सड़कों पर हैं, तो आप लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। आप लोग का समय कैसे कट रहा है? अच्छे से कट रहा है, जब हम किसी असल काम के लिए आए हैं तो समय अच्छे से कट रहा है, सबकी सहमति है। तो आप सब लोग टिकैत साहब के परिवार से हैं? अच्छा, आप अच्छा राकेश जी की, अच्छा आप राकेश जी की वाइफ हैं? हाँ भाई। तो ये तो साहब पहले से हैं रोड पर, आप भी रोड पर आ गए हैं? हाँ। आ गए। देखिए किसान आंदोलन को कैसे खत्म किया गया चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय टिकैत साहब के बाद, कोई बड़ा किसान नेता नहीं बचा है। राकेश टिकैत की मैसेज है ये, राकेश टिकैत इस आंदोलन में उभर कर सामने आए हैं। क्या लग रहा है, सरकार मानेगी बात? हाँ माननी चाहिए भैया। लग तो नहीं रहा है, वो सरकार की मर्जी माननेगी। पर मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे? मोदी बहुत अच्छे आदमी है, जो बात नहीं मान रहे किसानों की, माननी चाहिए। अच्छे आदमी है लेकिन बात तो काहे नहीं मान रहे जब अच्छे आदमी है? पता नहीं उसकी राज्य, उसकी सरकार नहीं मान रही होगी, उनकी सरकार में नहीं मान रहे होंगे, उनकी आत्मसत्ता है। तो अभी स्मृति ईरानी गई थी आप लोग के मेरठ, उसने कहा कि आप लोग बेकार आंदोलन कर रहे हैं, किसान गलत है। गई होगी, मैं ये तो मिली नहीं भाई, ना मैं देखी बेचारी है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, उनसे ही मतलब पूछ के पता करो कि कभी गांव में गए या गांव में कभी किसान की हालत देखी है उन्होंने आके। किसने? स्मृति ईरानी ने, जो आई थी वे, उन्होंने कभी देखा है गाँव में जाके कि किसानों की हालत क्या है? कंगना रनावत कह रही थी कि आप लोग 100-100 रुपए में महिलाएं बैठती हैं आंदोलन में, वो इस काम को वे करते होंगे, किसान लोग नहीं करते। अब एक साध्वी प्राची है, नाम सुना है आपने उनका? हाँ सुना है। उन्होंने कहा है कि यार ये सब नक्सली है जो आंदोलन में बैठे। हाँ तो वे खुद करते हैं ना इस काम को, तो इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो दिल्ली में एक सांसद है विधूरी जी, उन्होंने तो माइक पर कहा है कि किसान लोग भांड हैं, 100-100 रुपया में नाच रहे हैं यहाँ। अच्छा, आने के लिए धरने पर बैठे नुको, इसे काम के लिए नुको आपको बुलाया, आप भी वहीं चले जाओ, फिर अपने आप खुद पता लग जाएगा। 100 रुपए उन्हें भी मिलेंगे, उन्हें भी भेज दो यहीं पर, उन्हें भी मिलेंगे नुको। उस काम को जो मैं कर रहे हैं ना, एक बार आप जाकर देखो और करके देखो उस काम को, एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए। हम 200 देंगे, हम 300 देने को तैयार, 400 देने को तैयार है, पर एक बार भेजो ना यहाँ पे, बैठो रात को यहाँ पे ठंड में। क्या लग रहा है, सरकार क्यों नहीं, क्यों आ रही हुई है बिल वापस ले रहे हैं? उनकी अर्जित किसानों की भी है, किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सर्दियों में लोग समझ रहे हैं बहुत दिक्कत, किसानों को तो यहाँ भी रहना है और अपने खेत में भी रात को काम करना है, पानी चलाते हैं रात को, पूरी पूरी रात रहते हैं, क्या सुविधा दे रही सरकार, क्या सुविधा दे रही है उन लोगों को? क्यों नहीं इनके मतलब दर्द को पहचान पा रहे कि किसानों के साथ हो क्या रहा है? खेत में जाओ तो इधर देखो। हाँ बताइए। नहीं, एक बार वे आकर देख ले किसानों के बीच में,
दो घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए, अगर हो सके एक रात के लिए रुक के तो देखो पब्लिक के बीच में, जो किसान लोग हैं यहाँ पे उनके साथ रुक के देखो। मतलब इतनी मतलब बदतमीज से बोल रहे हैं कि वहाँ तो ये चले गए, वो चले गए, उन्होंने तो पार्टी लोग मतलब जो भी जैसे भी बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। वोट तो आप ही लोग दिए थे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे। हम कभी किसी की वोट नहीं देते, वोट नहीं देती नहीं, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते वोट दे, हम किसकी दें, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हम वोट किसकी दें। देखिए मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज सड़क पर आना पड़ा। तो किसानों के लिए आए हैं ना, किसानों के लिए आए हैं सड़क पर, अपने हक के लिए सड़क पर आए हैं। देखिए ये तमाम लोग हैं एक साथ आई हैं, छोटे बच्चे को लेकर आई हैं, क्या लग रहा है आप भी सड़क पर आई हैं, बात मानेगी सरकार? माननी चाहिए सरकार को बात, इतना किसान दुखी है सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या घर में आप लोग क्या मतलब पिछले 25 दिन से चर्चा आंदोलन की, तो घर में क्या बातचीत होती है आप लोग की आजकल? यही बातचीत होती है, यही चलता रहता है। जब हमारे जो अन्नदाता हैं जो सड़क पर पड़े हुए हैं, तो उस चीज़ का दुख हमें दिल से है, ये तो आज हम आए हैं इसी चीज़ के लिए तो आए हैं। तो टीवी सीरियल एकदम आजकल तो बंद होगा, सीरियल वैसे भी हम देखते नहीं है सीरियल। सास बहू और साजिश चलता, सास बहू साजिश कुछ नहीं चलता। सास बहू साजिश वाली स्मृति ईरानी कह रही कि सब किसान लोग, वो स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी जी को बोलो वो यहाँ आए, रहे किसानों के बीच में और फिर बताए कौन क्या है क्या नहीं है। कोई किसान किसी को शौक नहीं है अपना घर छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ के रहने का, ठंड में कोई पागल नहीं है कि वो यहाँ के रहेगा, सबको घर बहुत प्यारे होते हैं। कुछ दिक्कत है तभी किसान आज सड़क पे पड़ा हुआ है। कंगना रनावत को क्या कहेंगे, उन्होंने तो कोई उसके लिए कोई वो नहीं है, वो इतनी वो नहीं है कि उसके लिए कोई वर्ड मुझे नहीं लगता, बोलने दो जो बोलना है, क्योंकि वो जब किसानों से उनका कुछ लिंक ही नहीं है तो उनके बारे में बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है। इतनी बड़ी हीरोइन है, एक्ट्रेस है, होगी लेकिन हम नहीं मानते इतनी बड़ी हीरोइन। कंगना रावत का नाम मिले कौन है, कम ना हमने देखी भी नहीं कहा। वो हीरोइन है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अच्छा, पता उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं आ रही है ना आंदोलन में, वो 100-100 रुपए लेके आ रही है। इन्हें ये नहीं पता जो रोटी खा रही है ना वे कैसे गेहूँ बूतता है, कैसे कटता है और कैसे फिर मार्केट में आता है, बस उन्हें रोटी रोटी का पता है खाने का, रोटी रोटी का पता है। किसानों की मेहनत का हम 100 रुपए में मतलब उन्होंने बुला रखे, उन्हें 200 रुपए देंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए, इस आंदोलन के बीच में आ जाएं, किसानों के बीच में आके उनके दर्द को देख लेंगे। तो आपका आजकल ये टीवी अखबार वाला तो कोई दिखा नहीं रहा आंदोलन को, तो आप लोग क्या कर रही है, बहुत नाराज होती होंगी? नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं, वो यहाँ सभी मतलब किसानों को पता है कि वे किस उस पर पड़े हैं, तो किसी के देखने के लिए वो कर रहे हैं कि क्या, मतलब क्या कर रही है, क्या कर रही है, थोड़ी किसान है कि मीडिया न्यूज उस पे दिखाओ या उस पे दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी मांग के लिए है, अपने जो उन्हें चाहिए वो उस लिए है, ये नहीं कि वो कि मीडिया की तरह जैसे सेलिब्रिटी है कि भाई यहाँ फुटेज चाहिए, उस लिए नहीं है। आप कितनी पढ़ी लिखी है? MBA कर रखा है मैंने, MBA कर रखा है, और किसान घर की बेटी भी और बहू भी है। बिल्कुल किसान घर के बेटे हैं और बहू, और घर से कोई भूखा नहीं जाता है। राकेश टिकैत साहब की बहू है। हाँ जी। तो आपने MBA की पढ़ाई की है? हाँ जी। हाँ मैं समझ गया। तो ये तो आप तो पूरी राजनीति समझती होंगी, किसान परिवार से आपका तो परिवार राजनीतिक है, क्या लग रहा है मोदी जी सब क्यों कर रहे हैं? वो उन्हें ही पता होगा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो ये बिल में अगर दिक्कत नहीं होती तो आज किसान सड़क पे नहीं होता। कि उन मोदी, मेरा तो बस यही मानना कि मोदी जी को सुनना चाहिए और उन किसानों के बीच में आके देखना चाहिए कि एक्चुअल स्थिति है क्या। जब तक वो किसानों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तो उन्हें कुछ समझ आने वाला है नहीं। अब वो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, वो घूम रहे हैं, पता नहीं। मत टीवी अखबार टीवी तो देखती होंगी, समाचार चैनल क्या लग रहा है, वहाँ तो लगातार किसानों के खिलाफ बात हो रही है। कोई नहीं, जो खिलाफ कर रहे हैं ठीक है, वो उनका काम है, करने दो। जो खिलाफ कर रहे हैं वो यहाँ पे भी तो आए, किसानों के बीच में भी तो आए, किसानों के बीच में आके बोलना चाहिए ना उन्हें कि यहाँ पे कौन है, कौन नारे लगा रहा है, क्या है, तो किसानों के बीच में भी आके बोलना चाहिए। देखिए ये किसान, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने BA किया हुआ है। BA किया हुआ आपने, तो क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? सब ठीक तो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। मोदी जी ने अपनी पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के लोग डाले हुए हैं, लाइक स्मृति ईरानी, उसे तो एक्टिंग आती है, वो राजनीति में भी एक्टिंग कर रही है। और रही बात ये कंगना रनावत की, जो सवाल आप यहाँ किसानों से पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके कंगना रनावत जी से पूछिए कि उनकी क्या राय है इस किसान आंदोलन। मीडिया की औकात नहीं है मोदी जी से सवाल पूछने की? कंगना रनावत से वो भी जवाब नहीं, क्यों? मीडिया तो आजकल ट्वीट ट्वीट चलता है। सुनिए आप लोग ट्विटर पर हैं कि नहीं?
नहीं ट्विटर पे नहीं है हम। फेसबुक ट्विटर कुछ भी नहीं? फेसबुक है, फेसबुक पे है। तो आप वीडियो पोस्ट करती हैं ये सब किसान आंदोलन? बिल्कुल। आप हैं कि नहीं ट्विटर फेसबुक? नहीं 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 फेसबुक पे, फेसबुक पे। अच्छा हाँ जी। देखिए टिकैत साहब की पूरी फैमिली आई है सड़क पर और मैं लगातार उनका इंटरव्यू करता रहता हूँ, तो ये जो आधी आबादी है देश की है, लेकिन आजकल काम कम करना पड़ रहा हुआ है। आप एक बात बताइए, मीडिया तो एक स्वतंत्र माध्यम था अपनी बात कहने का, ये किसने बताया आपको? हमने बताया, हम बता रहे हैं ना आपको, आप हमसे इतना फ्रीली मतलब कुछ भी क्वेश्चन हर कहीं कर सकते हो, फिर मोदी जी से क्यों नहीं कर सकते? तो मोदी जी के मीडिया पर तो मोदी जी का कब्जा है। किसान आंदोलन के साथ आप भी बैठ जाओ ना मीडिया आंदोलन में, अगर इतना कब्जा है मोदी जी का मीडिया पे तो किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। हमें तो पैसा मिलता है। नहीं पैसा मिलता है वो तो आप लोगों तक तो वो पहुंचता भी नहीं होगा। आज आपको पता है कि एक आप लोगों तक तो वो पहुंचता भी नहीं होगा, अगर मिलता भी होगा तो ठीक है ना, तो आप भी बैठ जाओ ना। आज पता है वो क्या हुआ, हरियाणा में बीजेपी के नेता भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे किसान आंदोलन के खिलाफ, उन्होंने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं तब भूख हड़ताल करेंगे, एक पत्रकार ने वीडियो वायरल कर दिया, उस पर केस हो गया, हम लोगों को तो तुरंत केस हो जाता। तो मैं यही तो कह रही हूँ, तुम्हें तो किसानों का सहारा मिल जाओगा, सपोर्ट मिल जाओगा, बैठो सब मीडिया वाले इकट्ठे होकर बैठ जाओ। ये आपने अब अपनी भाषा पर आई है, ये जो ये जो जो ये जो मेरठ इधर जाटलैंड की जो भाषा है ना, ये ऐसा है, ये हमारी भाषा तो यही है, ये थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली तो अपनी भाषा भूल जाएंगे, भाषा नहीं भूलने के, ना किसान है, किसान के बेटे हैं, किसान तो ये चीज़ तो हमारे खून में है, ये तो कभी नहीं बदल सकती, चाहे कितनी ऊंची पढ़ाई कर लेंगे हम, ये चीज़ नहीं बदलने की, धरती के बेटे धरती माँ के। महिलाओं को लगा है, साध्वी प्राची का नाम सुनी है, बहुत बड़ी साध्वी है यूपी के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग नक्सलियों से गठबंधन किए। कोई नहीं, वो साध्वी प्राची नक्सलियों की उगाई हुई खाना खा रही है, तो वो भी नक्सलियों की थाली में जिमी हुई है, ठीक है, जो ये नक्सली आतंकवादी जितने भी भ्रष्टाचारी सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बताइए, आपके घरों के जो आप तो आप लोग भी खैर सड़क पर हैं, जो मर्द हैं वो सड़कों पर हैं, बहुत बुरा लगता होगा, दुख होता होगा? नहीं दुख क्या, सब अपने लोगों के बीच में, दुख तो हमारे प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं, दुख तो उन्हें हो रहा है ना कि उनके अगेंस्ट जो है इतनी बड़ी आबादी बैठी हुई है, दुख तो उन्हें हो रहा होगा, यहाँ पे तो सब लोग अपनों के बीच में, यहाँ किसी को दुख नहीं है, हमें दुख नहीं है। तो ये बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों ने, बाबू दिखाना जरा, ये देखिए आई लव किसान, आप आइए जरा इधर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, तो ये देखिए आई लव किसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे के थाली में निवाला अगर कहीं से आता है तो वो किसानों के खेत से आता है। और अच्छा ये एक तो सवाल ही मैं भूल गया, लोग कह रहे हैं कि किसान, आप लोग तो अच्छे कपड़े में है, वो कह रहे हैं कि किसान का अच्छा कपड़ा पहना हो किसान नहीं है। अगर किसान कमा रहा है तो किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता क्या? जो किसान काजू बादाम उगा रहा है, जिसे बड़े बड़े लोग खाते हैं, हमारे राजनेता, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग गेहूँ तो कम ही खाते होंगे, ये तो खाते हैं, मेवा ही तो खाते हैं, अगर किसान वो मेवा उगा रहा है तो वो अपने परिवार को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता क्या? किसान कुछ ना करे, किसान कुछ ना करे, जो कुछ करे यही करे, ना अच्छी पढ़ाई करे, ना कपड़े पहने, कुछ ना करे, जो करे ये करे, है ना? क्या कह रहे, सब्जी कटवाएंगे इन लोगों से? हम तो खाना बना देंगे, 100-100 आदमियों का खाना डेली बनाते हैं हम। आज तो इन लोगों से कटवा के खाइए आप लोग। हमारे यहाँ तो परमानेंट यही काम चलता है, सब्जी कम बनाने से, रोटी बनाने से तो फुर्सत ही नहीं होती। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस देश की महिलाएं इसी तरह से कुर्सियों पर बैठे और राजनीति को लीड करे, आंदोलन को लीड करे। अच्छा एक सवाल लगता है, मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि उनको मतलब शादी तो उन्होंने की थी, बाद में घोषणा की, अगर बीवी बच्चा होता उनके साथ में तो थोड़ा और समझते चीजों को? हाँ बिल्कुल समझते, क्योंकि अब तो वे खुले हैं, अब तो उन्हें ना बीवी का पता ना बच्चों का पता, उन्हें यही नहीं पता कि गृहस्थी चलती कैसे, तो पता नहीं अब चलो देखो देश का क्या करेंगे। अरे नहीं वे जो है ना इस टाइम इतने अहंकार में आ गए, उनके बीवी बच्चे होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, बीवी बच्चे होते तो पता नहीं क्या होता है ना, हम सबके बच्चे हैं तो बच्चों को जब तकलीफ होती है ना तो लगता है कि मुझे हो जाए बच्चों को ना हो, तो ऐसा भी मान लिया बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। हमें ये लोगों को बच्चा समझते तो वे समझते ना तकलीफ क्या है, वो होते जब भी ऐसे ही, वो अपने बच्चों के लिए तो उनके उनके बच्चों को कौन दिखा रहा। एक सवाल पर्सनल है, आप मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा, बाद पहले चर्चा भी नहीं करती, इस पर आप लोगों को क्या लगता है, उन्होंने ठीक किया था गलत किया? अब वो तो उनकी फैमिली के पर्सनल इश्यूज होंगे कि उन्होंने ऐसा छोड़ा होगा। वो तो कह रहे कि हमने राष्ट्र के लिए छोड़ दिया, देश सेवा के लिए। कोई नहीं छोड़ता, राष्ट्र के लिए गद्दी छोड़ दो ना, प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दो, इतने लोग परेशान हो गए तुमसे, तुम राष्ट्र के लिए वो छोड़ दो ना, वो क्यों नहीं छोड़ सकते? तो देखिए किसानों का डेडिकेशन, देखिए किसानों का डेडिकेशन, देखिए
महिलाएं घर से निकलने लगी है। और ये देखिए टिकैत साहब की जो मैसेज हैं वो अब आ गई है, अब मुझे आना पड़ेगा, यहाँ यहाँ टमाटर काटने आ गई हैं। तो ये देखिए हैं, ये देखिए ये अब जो लंगर का तो घर में भी इन लोगों से काम करवाया जाए, मर्दों से खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो रोज लंगर खाता हूँ। बढ़िया करे भाई, खावे मोदी का पेट पड़वाओ चक्कू तो क्या कर, एक बार दोबारा के गुस्सा, बहुत गुस्सा है, बुरा लग रहा है। हाँ मोदी तब बुरा तो लगेगा, नाराज हो रहे हैं लोग। देखिए सरकार से नाराजगी है, चूंकि 26 दिन का समय है, सड़कों पर जिंदगी कट रही है, सरकार को बात करनी चाहिए। महिलाएं हैं घरों से निकल के आई है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है किसान आंदोलन जो है वो शायद अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब महिलाओं ने भी घर से आना शुरू कर दिया है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंह गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।